2005 में जब जापानीज कार मेकर निसान इंडिया में एंट्री कर रहा था, तो अपना पहला मॉडल वो लेके आया था द एक्सट्रेल एसयूवी। 2024 में जब निसान इंडिया रीस्ट्रक्चर कर रहा है, इट इज़ हैविंग न्यू बिग प्लान्स फॉर इट्स इंडिया मार्केट, लेके आया है द लेटेस्ट जनरेशन, द फोर्थ जनरेशन निसान एक्सट्रेल, जो कि वापसी कर रहा है इंडियन मार्केट में इन अ बिग वे। दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन एक्सट्रेल, जो कि इम्पोर्ट होगा एज अ CBU फ्रॉम जापान, मेड इन जापान गाड़ी है ये, एंड दिस इज़ गोना बी सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस जैपनीज मेड इन जापान SUV फ्रॉम निसान। भाई हमने तो निसान एक्सट्रेल का वॉक अराउंड रिव्यू, फर्स्ट वॉक अराउंड रिव्यू कर दिया है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यो भी गो, दिस इज़ द मेड इन जापान निसान एक्सट्रेल CBU वाली। अगर लुक्स की बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ कि आपको निसान का जो फेस है, जो वी वाला आपको एक ग्रिल मिल जाता है अगेन विद क्रोम के इंसर्ट, वो मिल जाता है आपको। स्प्लिट LED के DRL के साथ में आपको एक हेडलैम्प मिलता है जो बम्पर में प्लेस किया हुआ है। बम्पर में आपको एयर डैम्स मिलते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल एयर डैम्स है ये। दिस मेक्स द कार मोर एरोडायनामिक। इनका इसका जो मॉडल है, इसका जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी एक स्मूथ सा है टू कट थ्रू द एयर एंड मेकिंग इट वेरी एरोडायनामिक। यहाँ पे आपको फॉर एक स्किड प्लेट मिल जाता है बम्पर में। इसका जो यहाँ पे एयर डैम है, दिस आर एक्टिव एयर डैम्स, ये क्लोज होते हैं व्हेन यू नीड एयर टू कूल द इंजन, दे आर ओपन अप अगेन, इसके बाद में ये क्लोज हो जाते हैं टू इंक्रीज द एरोडायनामिक्स। इसका जो बॉनेट है वो काफ़ी बड़ा है, आपको एक्सट्रेल का बैजिंग यहाँ पे मिल जाता है ऑन द साइड्स। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो फर्स्टली यू गेट दिस एक्सट्रेल निसान इंटेलिजेंट मोबिलिटी एक्सट्रेल का एक बैजिंग मिल जाता है, सो गुड डिटेलिंग गोइंग इन द हेडलैम्प ओवर ईयर। के साथ में आपको R20 के आपको व्हील्स मिलते हैं, मिचेलिन के टायर्स हैं ये, एंड नाइस स्पोर्टी एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है। आपको चारों पहियों पे ऑन ऑल व्हील एक डिस्क ब्रेक सेटअप मिल जाता है, ये यहाँ पे SUV का स्टांस को एनहांस करने वाला। यहाँ पे फॉर वाला एक इंसर्ट दिया हुआ है जो रन करता है अंडरबोर्ड पे, फुटबोर्ड पे, अगेन ये SUV का एक लुक को एनहांस करता है। विंग मिरर्स में आपको कैमरा मिल जाता है LED के टर्न ब्लिंकर्स के साथ में। क्रोम का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि दिस नाइस क्रोम ओवर हियर। डोर हैंडल्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं ऑन बोथ द फ्रंट डोर हैंडल्स। रूफ में अगेन यू आर गेटिंग नाइस मेटल के एलिमेंट्स ओवर हियर, मेटल फिनिश दिया हुआ है, ये मेटल का तो नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन दिस इज इन मेटल फिनिश ओवर हियर। इसके साथ में अगर आप बात करें तो अगेन यू हैव दिस SUV वाला फेंडर ओवर हियर, नाइस कैरेक्टर लाइंस जो फ्लो करते हैं यहाँ पे ऑन द वेस्ट लाइन, और जो टेल लैम्प है वो एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन निसान इंटेलिजेंट एक्सट्रेल लिखा हुआ है, सो डिटेलिंग गोइंग ऑन ओवर हियर। वाटर ड्रॉप्स का जो डिज़ाइन है उसको उन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, दिस इज द डिटेलिंग अगेन, जो इंसर्ट है एक फ्लश टेल लैम्प का वो एक्सटेंड करता है पीछे। आपको कनेक्टेड टेल लैम्प तो नहीं मिलता, लेकिन वो एक्सटेंड होता है यहाँ तक, सो दिस इज द बूट ऑफ द एक्सट्रेल। एंड अगर आप स्टाइल की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो टिपिकल जैपनीज टिपिकल निसान के स्टाइलिंग में आपको इसका बूट लिड मिल जाता है, एक्सट्रेल का बैजिंग इन क्रोम ओवर हियर। जो ग्लास एरिया है वो स्लाइटली स्लोपिंग है, डिफॉगर है, यू गेट दिस स्पॉइलर विद स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना है, मैंने आपको बताया, इसमें आपको ऑल ग्लास एक रूफ मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ। अगेन सामने की तरह आपको पीछे भी फॉस किट प्लेट मिलते हैं जो कि एक अलग कलर में है, अनपेंटेड एंड ब्लैक ओवर हियर। बूट खोलने का जो हैंडल है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, बट देन हियर यू हैव द कैमरा, साइड में कैमरा है, फ्रंट में कैमरा है और पीछे कैमरा है, यू गेट 360 डिग्री कैमरा ऑन दिस। एक्सट्रेल के साथ में आपको एक अलग दिखने वाला एक की फॉब मिलेगा, आपको इंडियन निसान कार्स पे ये की फॉब नहीं मिलता, ये एक CBU मॉडल है, तो ये है इसका की फॉब। यहाँ पे आपको बूट खोलने के लिए बटन नहीं मिलता, लॉक अनलॉक का ही सिर्फ बटन मिल जाता है, लेकिन एक काफ़ी हैवी फील वाला की फॉब है, और बूट खोलने के लिए आपको गाड़ी को अनलॉक करना है,
गाड़ी अनलॉक होते ही आपको यहाँ बटन नहीं है तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट बटन मिलता है जिसको दबा के ही द बूट ओपन्स समथिंग लाइक दिस। 485 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। दिस इज़ अ 7-सीटर कार। हमने यहाँ पे बैग रखा हुआ है सीट फोल्ड करके, सो आई कैन इवन फोल्ड दिस सीट। और अगर आपको एक्सटेंड करना है बूट स्पेस तो इट गेट्स एक्सटेंडेड लाइक दिस। बट लेट मी शो यू द बूट स्पेस। दिस इज द बूट स्पेस ऑन द निसान एक्सट्रेल। अगर मैं ये सीट दोनों ऊपर कर दूँ 7-सीटर, दिस बिकम 7-सीटर एंड आपको सिर्फ इतना ही बूट स्पेस मिलता है। लेकिन सात बंदे नहीं है तो यू कैन जस्ट फोल्ड इट डाउन एंड यूज़ द बूट स्पेस। आपको बूट बंद करने के लिए, खोलने के लिए इलेक्ट्रिक बटन भी नहीं मिलता, ये यहाँ पे उन्होंने निकाला हुआ है। आई डोंट नो व्हाई इतने महंगी गाड़ी पे, तो आई थिंक दे शुड हैव गिवन इट। लेकिन नेवरदलेस यू कैन क्लोज द बूट लाइक दिस। ज़्यादा हैवी नहीं है ये, इजी इनफ। निसान एक्सट्रेल को पावर करता है इनका जो प्रोप्राइटरी इंजन है। ये एक काफ़ी अलग इंजन है जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एंड अगर आप इंजन की बात करें तो दिस इज़ द 1.5 लीटर 3-सिलेंडर इंजन। आप बोलोगे कि 3-सिलेंडर इंजन इतने बड़ी गाड़ी में, लेकिन दिस इज़ द VC टर्बो जो कि इनका प्रोप्राइटरी एक इन्वेंशन है, एक वर्ल्ड्स फर्स्ट है। VC स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कंप्रेशन। तो ये भाई 3-सिलेंडर इंजन बनाता है 163 पीस ऑफ पावर। इसमें आपको 300 Nm का टॉर्क मिल जाता है, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। और जो इसका VC है, वेरिएबल कंप्रेशन है, वो इसका जो पावर है कंप्रेशन है उसको ऑल्टर करता है। नॉट एट ऑल अंडर पावर्ड इंजन, दैट इज़ व्हाट निसान क्लेम्स। हम चलाएंगे इसको ऑन आवर एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशन, आपको बताएंगे इसका पावर कैसा है। लेकिन निसान बताता है कि इस इंजन का जो माइलेज है वो अराउंड अबाउट 14-15 किलोमीटर्स है ऑफ माइलेज। एंड पावर भी काफ़ी सारा है, 163 PS एंड 300 Nm। एंड अगर आप बात करें ऑफ द ट्रांसमिशन, तो इसमें आपको एक CVT जो ट्रांसमिशन है, लेटेस्ट एक्स ड्राइव CVT ट्रांसमिशन, जो कि DCT जो ड्यूअल क्लच है उसके बराबरी करता है। दैट इज़ व्हाट दे से, इट्स अ वेरी फास्ट CVT विद द जीरो रबर बैंड इफेक्ट एंड जीरो लैग। दिस इज़ द निसान एक्सट्रेल इंजन एंड लॉट ऑफ पावर विच विल फाइंड आउट वाइल ड्राइविंग द कार। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको एक डार्क थीम में कैबिन मिल जाता है, एक नाइस डार्क स्पोर्टी फील है इस कैबिन का। डैशबोर्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट फील वाला एक डैशबोर्ड मिलता है। ये जो इंसर्ट है यहाँ पे आपको लेदर वाला एक रैपिंग का फील दे रहे हैं, इसमें भी आपको सॉफ्ट टच दे रहे हैं यहाँ पे। एंड देन देयर इज अगेन दिस हैंड स्टिचिंग वाला एक फील दिया हुआ है, एक लुक दिया हुआ है यहाँ पे। अगेन इट्स नॉट डन येट, यहाँ पे भी आपको इंसर्ट दिया हुआ है यहाँ पे विद मेटल का एक इंसर्ट है। एंड यू हैव दिस क्रैश पैड एरिया अगेन ओवर हियर। अगर आप AVN सिस्टम की बात करें तो ये 8-इंच का फ्लोटिंग डिज़ाइन वाला आपको AVN सिस्टम मिल जाता है। आई थिंक इट्स अ बिट स्मॉल फॉर दिस कार, 8 inches। और इसका जो कनेक्टिविटी की अगर आप बात करें तो आपको वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता, आपको केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। सो अगेन दैट इज़ अ वेरी बिग कॉन, आई थिंक दे शुड हैव गिवन दैट। इसके साथ में आपको फीचर्स तो सारे दिए हुए हैं, रेडियो है, आपका ब्लूटूथ कॉलिंग है, लेकिन जो आजकल ट्रेंडिंग फीचर है जो वायरलेस कारप्ले जो इनके निसान के मैग्नाइट में भी आता है, वो इसमें आपको नहीं मिलता, आई डोंट नो व्हाई। साथ में आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, नाइसली डन दिस पार्ट ओवर हियर। AC के वेंट्स में आपको मेटल दिया हुआ है यहाँ पे, आपको वायरलेस चार्जिंग दे रहे हैं ये, लेकिन कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं दे रहे। USB-C एंड नॉर्मल USB आपको यहाँ पे चार्जिंग के पोर्ट दिए हुए हैं। दिस इज़ योर पावर आउटलेट। स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो भी एक चिंटू मिंटू वाला है, छोटा वाला यहाँ पर बटन दिया हुआ है। दिस कुड हैव बीन बिगर, दिस शुड हैव बीन बिगर। अगर आप डिस्प्ले की बात करें, ड्राइवर डिस्प्ले की बात करें, आपका वर्चुअल कॉकपिट की बात करें, तो वो काफ़ी अच्छा है, वो तो इनफैक्ट बड़ा है, बिगर देन द डिस्प्ले ओवर हियर। और डिस्प्ले का जो टेक्स्ट है, जो डिस्प्ले का स्क्रीन है, वो भी अलग है, वो भी क्रिस्प है। दिस इज़ नॉट वेरी शार्प, नॉट वेरी क्रिस्प, आई डोंट नो व्हाई, दैट्स अ बिग कॉन। लेकिन आई लाइक द ड्राइवर डिस्प्ले ओवर हियर, 12.3 inches का डिस्प्ले है ये। और दिस कैन, यू कैन ऑल्सो चेंज द व्यू। अगर आपको ये व्यू चेंज करना है, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन जस्ट चेंज द व्यू ऑफ द ड्राइवर डिस्प्ले समथिंग लाइक दिस। तो आपको दो व्यू मिलते हैं ऑन द डिस्प्ले ओवर हियर। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको लेदर रैप स्टेयरिंग मिलता है, एक छोटा स्टेयरिंग मिला हुआ है यहाँ पे। एंड यू हैव दिस फ्लैट बॉटम ओवर हियर डिज़ाइन, MFD के बटन्स है, क्रूज कंट्रोल है, एडास नहीं है, लेकिन यू हैव अ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल और नो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ओवर हियर। अगर स्विचेस की बात करें तो इंडिकेटर इसका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है,
ऑन द राइट साइड, राइट साइड में वाइपर है इसका, पैडल शिफ्टर है इसके, आपको एग्जस्ट मिल जाता है टेलीस्कोपिक एंड फॉर द हाइट अगेन विच इज़ वेलकम। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है जो इंजन का पावर पेट्रोल बचाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एसी को बंद करने के लिए, शट करने के लिए इसमें वेंट्स हैं यहाँ पे। जो मुझे पसंद आया वो है इंसर्ट्स ऑन द डोर पैड, ये आपको फैब्रिक के इंसर्ट्स जो यहाँ पे दिए, जो आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है, दैट लुक्स नाइस, दैट लुक्स नीट। ये जो इसका इनले है ऊपर, ये डार्क ब्राउन कलर में दिया हुआ है यहाँ पे। अगेन कमिंग बैक टू द सेंटर कंसोल, जो इसका शिफ्टर है, एक नाइस मिनी फ्लैट शिफ्टर दिया हुआ है ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के लिए। पार्किंग के लिए आपको ये दबाना है एंड यू शिफ्ट लाइक दिस, यू कैन गो हियर एंड यू आल्सो हैव द ड्राइव विच इज़ इन स्पोर्ट शिफ्टर। कमिंग बैक पार्किंग के लिए आपको सिर्फ ये बटन दबाना है एंड द कार गोज इनटू द पार्क मोड। इलेक्ट्रो मैकेनिकल आपको हैंड ब्रेक मिल रहा है, ऑटो होल्ड दे रहे हैं और ये ड्राइव मोड का यहाँ पे बटन दिया हुआ है टॉगल करने के लिए, स्टैंडर्ड इको एंड स्पोर्ट मोड के लिए। आपको मेटल ब्रश मेटल का फिनिश दिया हुआ है यहाँ पे, दिस अगेन लुक्स एंड फील्स गुड। बड़े आपको कैन होल्डर्स मिल रहे हैं और एक BMW मर्सिडीज स्टाइल में आपको बटरफ्लाई ओपनिंग जो कहते हैं वो आपको एक सेंट्रल स्टोरेज बॉक्स मिलता है जो कि विच कैन स्टोर गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स इन हियर। इसको बंद करते ही आपका आर्मरेस्ट बन जाता है यहाँ पे। अगर आप सीट्स की बात करें तो सीट में भी आपको फैब्रिक मिल जाता है, फैब्रिक अपोस्ट्री, सीट में कूलिंग नहीं है, आई थिंक सीट वेंटिलेशन भी चाहिए था। इलेक्ट्रिक एडजस्ट भी नहीं है, इलेक्ट्रिक हाइट, इलेक्ट्रिक सेटिंग नहीं दे रहे ये इन द फ्रंट सीट। लेकिन सीट कंफर्ट की बात करें तो द सीट का जो पैडिंग है वो गुड इनफ है, सीट का जो साइज है और जो विजिबिलिटी है फ्रॉम द ड्राइवर सीट इज टॉप क्लास। आपको सेंटर कंसोल में एक यूनिक स्टोरेज स्पेस मिलता है ये यहाँ पे, और ये स्पेस जो है ये काफ़ी सारा है, यू कैन इवन स्टोर एन आईपैड मिनी, मे बी अ स्मॉल लैपटॉप ऑल्सो, और मे बी मोबाइल फोन या चाबी है ये, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल स्पेस है एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल के साथ में। आपको ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों में आपको लॉक अनलॉक के बटन मिलते हैं, ड्राइवर साइड पे तो मिलता ही है लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है लॉक अनलॉक का बटन, सो विच इज अगेन इनोवेटिव। और डोर में वहाँ पे आपको अगेन यू कैन जस्ट ब्रश मेटल का जो यहाँ पे फिनिश दिया हुआ है वो वहाँ पे इंसर्ट है, फिट फिनिश जो है डोर पैड्स के वो काफ़ी हाई क्वालिटी का है। कैबिन में लाइट ला रहा है दिस नाइस बिग यूज पैनोरामिक सनरूफ, साथ में आपको ऑटो डिमिंग मिरर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड अगर आप देखें कैबिन लाइट जो है वो येलो में है, येलो कलर में, एंड इवन द लाइट ओवर हियर ऑन द मिरर ओवर हियर इज अगेन येलो, दे शुड हैव गिवन आई गेस वाइट LED लाइट एटलीस्ट। इसके साथ में अगर आप बात करें तो थिंग्स आर वेरी वेल अपॉइंटेड, ये एक CBU गाड़ी है तो क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच है, टॉप क्लास है। नाउ टाइम टू गेट इनटू द मिडिल रो, अगर आप मिडिल रो सीट जानना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। गेटिंग इनटू द कार, डोर का जो अपर्चर है वो बड़ा है, गेटिंग इनटू द कार इज अ ब्रीज। वंस इनसाइड द कार डोर बंद कर दो एंड सीट का जो मिडिल रो का जो कंफर्ट है वो गुड इनफ है, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, जो आपका हेडरूम है वो ठीक है, इट्स गुड इनफ। ड्राइवर सीट इज एज पर माई हाइट, आई एम 5'6" 5'7" एंड दिस इज द नी रूम, ये शोल्डर रूम है और ये हेडरूम है। अगर आप देखें तो आपको पीछे दो AC के वेंट्स मिलते हैं, इसके साथ में आपको एक USB-C और एक नॉर्मल USB मिल रहा है। एंड अगर आप चेकआउट करें तो मिडिल में आपको यहाँ पे इन्होंने ये स्प्रिंग दिया हुआ है, तो पुल करते ही यू कैन पुल दिस डाउन। मोबाइल होल्डर के साथ में आपको दो यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, कैन होल्डर्स मिलते हैं, दिस बिकम्स योर आर्मरेस्ट, लेकिन अगर कोई बैठा नहीं है तो यू कैन जस्ट पुल इट बैक एंड कम इनटू द मिडिल रो। मिडिल सीट में आपको फ्लैट, नियर फ्लैट आपको एक फ्लोर मिल रहा है विच इज़ बिकॉज यहाँ पे आपका जो माइल्ड हाइब्रिड है उसका बैटरी प्लेस किया हुआ है, लेकिन नेवरदलेस यू हैव गुड इनफ प्लेस। आपको सीट को एडजस्ट करने के लिए यू गेट दिस एडजस्ट ओवर हियर विच यू कैन यू नो सेट द सीट एज पर योर सीटिंग एंगल, कंफर्टेबल सीटिंग एंगल, दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू गो इनटू द थर्ड रो। थर्ड रो में जाने के लिए द एंट्री इज थ्रू द मिडिल रो, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको एक वाइड ओपनिंग 180 डिग्री ओपनिंग डोर मिल जाता है फॉर इजी एंट्री। इसके साथ में आपको ये सीट को आगे स्लाइड करना है और इसको आपको एंड यू कैन जस्ट टिल्ट इट डाउन एंड द थर्ड रो इज रेडी फॉर योर एंट्री, समथिंग लाइक दिस। थर्ड रो के सिटिंग की बात करें तो इट इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल फॉर एन एडल्ट। शॉर्ट ड्राइव के लिए फॉर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आई विल फील कंफर्टेबल, लेकिन उसके आगे मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है
सीट का जो हाइट है पीछे वो छोटा है, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हेडरेस्ट दिया हुआ है जो आपके बैक रेस्ट के साथ में इट गेट्स यू नो इट्स अ कंबाइंड ऑफर, अ कॉम्बो ऑफर। इसके साथ में लेग रूम नी रूम ना के बराबर है, लेकिन सीटिंग एंगल इज गुड। और आपको यहाँ पे एसी भी नहीं मिलता, नो एसी, नो चार्जिंग पॉइंट, नो नथिंग इन द थर्ड रो, लेकिन बॉटल होल्डर्स है यहाँ पे, लेकिन चार्जिंग पॉइंट आई थिंक दे शुड हैव गिवन, दे कुड हैव गिवन, लाइट दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन एसी के इवेंट्स वहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है। तो भाई हमने ये मिडिल रो को टिल्ट किया हुआ है और आगे स्लाइड किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि ये सीट कैसा है इन जनरल, लेकिन ऐसा कोई ट्रैवल तो नहीं करेगा मिडिल रो को फोल्ड करके, बट देन दिस इज जस्ट टू शो यू द सीट, द थर्ड रो सीट ऑन द एक्सट्रेल। आइए चलाते हैं द एक्सट्रेल, लेट्स फाइंड आउट एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशंस में ये कैसे बिहेव करती है। इसका शिफ्टर काफ़ी अलग है जो मैंने नोटिस किया है वाइल यूजिंग इट। ये हम ड्राइव मोड में गए एंड हियर वी गो। निसान एक्सट्रेल को पावर करता है एक 3 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये आम टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है, ये कैपेसिटी में आपको कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल कंप्रेशन का जो टेक्नोलॉजी है जिसको निसान ने पेटेंट किया हुआ है, ये इनका प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वेरिएबल कंप्रेशन इंजन VC टर्बो जिसको कहता है निसान, वो आपको मिल जाता है इसमें। तो ये इंजन बनाता है 163 PS ऑफ पावर, इसमें आपको 300 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और जो इसका ट्रांसमिशन है वो है CVT, लेकिन ये आम CVT नहीं है, ये लेटेस्ट जनरेशन एक्सट्रॉनिक CVT है जो कि निसान दावा करता है कि इट इज़ एज फास्ट एज अ DCT, क्योंकि इस गाड़ी में पावर कूट कूट के भरा है और कहीं पे भी आपको लगता नहीं कि ये एक 3 सिलेंडर गाड़ी है, बिकॉज दिस इज़ अ VC वेरिएबल कंप्रेशन जो टेक्नोलॉजी है, जो कि कंप्रेशन जो है इंजन का पावर जो है, जो पावर आपके आपके इंजन को लगता है, पिस्टन को लगता है, आपके इंजन के सिलेंडर जो है उसको लगता है, वो उसको वेरिएबल करता है नीड के हिसाब से, और जो आपके इनपुट है, जो आपके ड्राइविंग कंडीशन है उसके हिसाब से। ड्राइव के मामले में हम हाईवे पे चला रहे हैं, द कार फील्स एक्सीलेंट टू ड्राइव, ड्राइव क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है। ये एक CBU कार है, मेड इन जापान, इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान, गॉट इन टू इंडिया इन कंप्लीट CBU फॉर्म। तो ड्राइव के मामले में इट इज़ वे अप देयर। प्रीमियम गाड़ी का जो आपको ड्राइव फील है वो आपको मिल जाता है, छोटा सा स्टेयरिंग है तो यू हैव दिस नाइस स्पोर्टी वाला फील। पैडल शिफ्टर्स है यहाँ पे, तो आई कैन प्ले अलॉन्ग मैन्युअली, प्लस माइनस करना है, आई नीड टू गो अप द गियर एंड कम डाउन, वो मिल जाता है। स्टेयरिंग का फील इज ऑल्सो वेरी कनेक्टेड, यू डोंट हैव दैट लाइट और डेड फील, यू हैव द नाइस कनेक्टेड फील। रोड का जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, आई कैन सी द बोथ द साइड ऑफ द बॉनेट, आई कैन सी द एजेज ऑफ द बॉनेट, तो एक काफ़ी एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, काफ़ी सारा लाइट आ रहा है इन द कैबिन, एंड आई एम वेरी कम्फर्टेबल फॉर माई लॉन्ग ड्राइव, माई लॉन्ग जर्नी। Everything feels very well appointed and premium. R20 के जो wheels हैं इस X-Trail में वो इस drive quality को improve करने के लिए इसको एक carpet वाला जो एक effect है, magic carpet effect है, वो दे देता है इस गाड़ी के drive को। You get a very nice, very balanced and very premium drive feel. Suspension is nicely sorted. एंड जो एक हम वी हैव नॉट एनकाउंटर्ड बैड रोड्स, हम एनकाउंटर करेंगे, लेकिन अभी तक का जो मामला है, हाई स्पीड का जो मामला है, वो काफ़ी एक प्रीमियम वाला फील दे रहा है, काफ़ी एक प्रीमियम ड्राइव फील दे रहा है मेरे को। ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं, प्रीसेट ड्राइव मोड जो कि चेंज होता है ऐसे, हम स्टैंडर्ड में है अभी। कैन गो टू इको जो आपको माइलेज देगा, एंड यू कैन गो इन टू स्पोर्ट ऑल्सो, स्पोर्ट में चले गए हम, एंड दिस इज सपोज टू बी गिविंग यू मोर पावर and instant power in fact. Yes, engine का आपका जो exhaust का note है वो evident है, and evident इसलिए है, it also gives you a nice sporty feel. ये वाला आवाज़, even I was ये इस drive पे आने के पहले मैंने भी सोचा था कि भाई 3 सिलेंडर वाली गाड़ी ये निसान कर क्या रहा है, I don't know what they are thinking. इतने बड़े imported गाड़ी में, made in Japan वाली गाड़ी में, 30-35-40 लाख के रुपए वाली गाड़ी में इतना छोटा इंजन, लेकिन दे हैव अ वेरी वेल केप्ट सीक्रेट और कार्ड अंडर द स्लीव। आपको एक माइल्ड हाइब्रिड का भी सिस्टम मिल रहा है, दे आर ऑल्सो गिविंग यू अ माइल्ड हाइब्रिड, जो पीछे के फ्लोर में इन्होंने प्लेस किया हुआ है बैटरी,
जो चार्ज होता है विद ऑल द फोर व्हील्स एंड द इंजन, अब जब ब्रेकिंग करते हो तो ब्रेक का रीजन इट गोज एंड चार्जेस, और ये सपोर्ट करता है इन रिटर्न टू द इंजन। अगर आप सिटी में क्रॉल कर रहे हैं हाईवे पे, ये हाईवे सिस्टम आपको कोई असिस्ट नहीं करेगी। जब आप क्रॉल कर रहे हैं एट स्लो स्पीड्स एट सिटी ट्रैफिक कंडीशन, द हाइब्रिड कम्स इनटू पिक्चर। 14-15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये क्लेम कर रहे हैं निसान, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में एक 11-12 किलोमीटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई ये था हमारा ड्राइव रिव्यू, फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द ऑल जापानीज इंपोर्टेड मेड इन जापान निसान एक्सट्रेल, द न्यू फोर्थ जनरेशन निसान एक्सट्रेल जो कि वापसी कर रहा है इन इंडिया। ये इनका फ्लैगशिप मॉडल है, दिस इज द बेस्ट मॉडल दैट निसान इज ऑफरिंग इन इंडिया। एंड ये मॉडल जो है एक्सट्रेल, ये कॉम्पीट करता है विद द स्कोडा कोडियाक, वोक्सवागन का टिगुआन है, इसके साथ में टोयोटा की फॉर्चुनर है, फोर्ड की एंडेवर भी वापसी कर रही है ऐसा सुना हुआ है, एंड इट शुड कम बैक। काफ़ी सारा एक स्टिफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये मेड इन जापान गाड़ी है। यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, आपको अलग दिखना है, आपको अलग चलना है, यू डोंट वॉन्ट टू गो विद द हर्ड, यू डोंट वॉन्ट टू गो विद द क्राउड, देन द एक्सट्रेल इज फॉर यू। ये गाड़ी ऑफर करता है एक टिपिकल जैपनीज स्टाइलिंग, जैपनीज प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम फीचर्स। फीचर्स थोड़े कम है, येस एक्सेप्टेड एंड एग्रीड, लेकिन जो इसका बनावट है, इसका लुक्स है, इसका जो एक ड्राइव फील है, इसका जो इंजन है 1.5 लीटर जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है एक वेरिएबल कंप्रेशन का, वो भी अलग है। दिस इज समथिंग अनहर्ड एंड अननोन, दिस इज द निसान एक्सट्रेल द 2024, द ऑल न्यू एक्सट्रेल जो कि इंडिया में आ चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन, अगर आपको एक्सट्रेल अच्छी लगी, तो आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, हमें ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जो आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है जो गाड़ी लेने की सोच रहा है, या फिर ऐसे भी आप यार मुझे, यू कैन शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। डू सपोर्ट अस एज यू आर सपोर्टिंग अस। दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द जापानीज निसान एक्सट्रेल एसयूवी व्हिच इज माइल्ड हाइब्रिड ऑल्सो, लेट मी टेल यू दैट। गाड़ी के प्राइसेस वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड अबाउट 35-40 lakhs, दिस इज व्हाट वी एस्टिमेट एक शोरूम। ये एक जापानीज गाड़ी है, बट देन दैट्स हाउ इट इज, एंड डू कीप वॉचिंग मोटोवर्ल्ड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।